हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामदेव वर्मा और आज हम सीखने वाले हैं जरा जरा बहकता है ये वाला गाना माउथ ऑर्गन पे। ठीक है, तो सबसे पहले इस गाने को मैं बजा के सुना देता हूँ माउथ ऑर्गन पे। तो दोस्तों चलो अभी इस गाने को सीखना शुरू करते हैं माउथ ऑर्गन पे। ठीक है, तो जब हम इस गाने को बजाने के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहला लाइन जो मिलता है वो कुछ इस तरीके का है। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा, है ना। तो उसमें हमें कुछ इस तरीके के नोटेशन चाहिए होंगे। निशा निशा सा निशा रे निशा सा निशा रे निशा नी नी गा सा नी। ठीक, तो इसमें जो नी है ना दोस्तों, ये इस वाले लाइन में जितने भी नी यूज हुए हैं ना वो सारे के सारे लोअर ऑक्टिव वाले नी है, और जितने भी स यूज हुए हैं वो मिडिल ऑक्टिव वाला स और एक रे यूज हुआ है जो कि मिडिल ऑक्टिव वाला रे है, और उसके बाद लास्ट में नी नी गा सा नी। तो उसमें जो नी है वो लोअर ऑक्टिव वाला है और जो ग और स है वो मिडिल ऑक्टिव वाला ग और स है, और उसके बाद फिर से लोअर ऑक्टिव वाला नी। और इसके बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरीके का लाइन मिलता है। तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। तो इसमें हमें कुछ इस तरीके के नोटेशन चाहिए। सा निशा रे निशा सा निशा रे निशा धा सा नी धनी पामा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सा निशा ये वाले जो नी है ना वो लोअर ऑक्टिव वाला नी है, और उसके बाद सा निशा रे निशा इसमें भी सा मिडिल ऑक्टिव नी लोअर ऑक्टिव सा रे मिडिल ऑक्टिव नी लोअर ऑक्टिव और उसके बाद सा मिडिल ऑक्टिव। ठीक है, उसके बाद सा निशा रे निशा ये वापस से रिपीट होता है, और उसके बाद धा सा नी धनी पामा। यहाँ पर जो ध है वो लोअर ऑक्टिव वाला ध है, आपको दिखाई दे रहा होगा उसके सामने एक छोटा सा माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध स नी ये जो स है वो मिडिल ऑक्टिव वाला स है, और उसके बाद नी ध नी प म ये सारे के सारे लोअर ऑक्टिव वाले नोटेशंस हैं। ठीक है, ध स नी धनी प म। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरीके का लाइन मिलता है। है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा। तो इसमें हमें इस तरीके के नोटेशन चाहिए। ध ध सा नी पा पानी धमा मा 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 नी नी ध धा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी लोअर ऑक्टिव वाले नोटेशंस हैं वो सारे के सारे उनके सामने एक छोटा सा माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ध ध ध जो ध ध स नी प यहाँ पर जो ध और ध उसमें लोअर ऑक्टिव वाला नोटेशन है, उसके बाद स वो मिडिल ऑक्टिव वाला, उसके बाद नी प वो लोअर ऑक्टिव वाला, और उसके बाद सारे के सारे लोअर ऑक्टिव वाले नोटेशंस यूज हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके का एक दूसरा लाइन रिपीट होता है। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। तो इसमें भी सेम ही नोटेशन यूज हुआ है, जैसे कि ध ध सा नी पा पानी धमा मा 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 नी नी ध धा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का लाइन है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके का जो नोटेशन है वो यूज हुआ है। धसा रे गा रे रे गा रे रे गा रे गा सानी। ठीक, उसके बाद हम यार भीग जाए रे रे गा सा सानी सा धा। तो इसमें जो नी और ध यूज हुआ है वो लोअर ऑक्टिव वाला ध यूज हुआ है, मतलब कि नी और ध। ठीक है, और जो रे रे गा सा वो मिडिल ऑक्टिव वाला, और जो स वो मिडिल ऑक्टिव वाला, और जो नी और ध सिर्फ नी और ध वो
लोअर ऑक्टेव वाला यूज हुआ है। बाद ठीक है, इस चाहत की बारिश में रे 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 नी रे गा मा रे गा, यहाँ पर जो नी यूज हुआ है ना दोस्तों वो लोअर ऑक्टेव वाला नी है, बाकी के सारे मिडिल ऑक्टेव वाले नोटेशंस। उसके बाद मेरी खुली खुली लतों को सुलझाए, तो इसमें धसा रे गा रे रे गा रे रे गा रे गा सानी। ठीक है, और इसके बाद तू अपनी उंगलियों से रे रे गा सा सानी सधा, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में रे 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 नी रे गा मा रे गा। इसके बाद सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, तो इसमें कुछ इस तरीके का नोटेशन का यूज हुआ है दोस्तों। ग द ध ग ग ग नि नि ग ग ग स स रे नि प प ध प ध। ठीक है, ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो ग स स रे नि प प ध प ध ये जो लाइन है ना, इस वाले नोटेशन में स स और रे वो अपर ऑक्टिव वाला स स और रे है, ठीक है, यानी कि इस तरफ वाला। उसके बाद हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में, ग ध ध ग ग ग प प रे 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 मा म ग रे सा नी सा नी। दोस्तों यहाँ पर जो नी सा नी है, वहां पर जो नी है ना वो लोअर ऑक्टेव वाला नी है। इसके बाद दोस्तों तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर, तो इसमें दोस्तों कुछ इस तरीके का नोटेशन है। धस रे ग रे रे ग रे रे ग रे ग सानी रे रे ग सा सानी सधा रे 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 नी रे गा मा रे गा। ठीक, इसके बाद मैं भूली नहीं हंसी मुलाकाते बेचैन करके मुझको, मुझसे यू ना फेर नजर, धस रे ग रे रे ग रे रे ग रे ग सानी रे रे ग सा सानी सधा रे 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 नी रे ग मा रे ग। इसके बाद रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर, तो इसमें कुछ इस तरीके के नोटेशंस है। ग ध ध ग ग ग नि नि ग ग ग स स रे नि प प ध प ध। इसके बाद तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल भर, ग ध ध ग ग ग प प रे 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 मा म ग रे सानी सानी। उसके बाद जो जरा जरा वो वाला लाइन रिपीट हो, और दोस्तों एक छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, ध ध ध ध ध प प प म ग ग म प म ग रे। ठीक,
ये बांसुरी वाला ट्यून है, आप बजाना चाहें तो इसे बजा सकते हैं।